दोस्तों स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, इसरो, रोसकॉस्मोस या और भी जितनी स्पेस एजेंसी है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रही है। हर दिन कोई सैटेलाइट, हर दिन कोई लैंडर या फिर कोई मिशन लॉन्च किया जाता है किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा। और आज के समय पर हर कंट्री चाहती है कि वो स्पेस सेक्टर में नंबर वन बनकर अपनी छाप छोड़े, जिसमें भारत भी अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के कुछ अपकमिंग स्पेस मिशन के बारे में जानेंगे, जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो दोस्तों नंबर वन है आदित्य L1 और ये भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है और इस मिशन में सैटेलाइट को लैग्रेंजियन पॉइंट पर भेजा जाएगा जो कि हमारी धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और जो आदित्य L1 का नाम है, इसमें जो L1 है तो उस L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 और आने वाले टाइम में इसरो आदित्य L2, आदित्य L3 और आदित्य L4 भी भेजेगा। तो दोस्तों इस आदित्य L1 की एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट है 26 अगस्त 2023 यानी कि इसी महीने, और इस मिशन को इसरो अपने PSLV-XL रॉकेट से लॉन्च करेगा। और इसी के साथ इस मिशन का एम है टू अंडरस्टैंड द सन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ एनवायरनमेंट। बेसिकली इस मिशन में इसरो सन के सरफेस पर होने वाले हाइड्रोजन और हीलियम ब्लास्ट के बारे में स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि आखिरकार ये सन के सरफेस पर होने वाले ब्लास्ट हमारे अर्थ पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी के साथ इस मिशन में इसरो सन के सरफेस से अर्थ पर आने वाले रेज को भी स्टडी करेगा। और इस मिशन में टोटल 7 पेलोड्स भेजे जाएंगे और इसरो के अनुसार वो सन को इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी में होने वाले बाकी सभी स्टार्स के बारे में भी जानकारी मिल पाए कि आखिरकार स्टार कैसे फॉर्म होते हैं और वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो चलो अब इसके साथ तो पेलोड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नंबर वन है VELC, जिसे हम विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफी कहते हैं और ये इमेजिंग कोरोना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है। नंबर टू है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, जिसे हम SUIT के नाम से भी जानते हैं और ये फोस्फर और क्रोमोस्फीयर इमेज के लिए यूज किया जाता है। नंबर थ्री है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि SOLEXS और ये सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सन को एज अ स्टार ऑब्जर्व करेगा। नंबर फोर है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि HEL1OS और ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी सन को एज अ स्टार ही ऑब्जर्व करेगा। तो दोस्तों ये चार तो थे रिमोट सेंसिंग पेलोड। तो अब बात करते हैं बाकी बचे हुए तीन इन सूट पेलोड की। तो नंबर फाइव है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि ASPLEX और ये सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर प्रोटोन और हैवियर लॉन्च विद डायरेक्शन को ऑब्जर्व करता है। और नंबर सिक्स है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि PAPA और ये भी सेम ASPEX की तरह ही काम करता है। और नंबर सेवन और आखिरी पेलोड है एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर और ये इन सूट मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करता है। और इस आदित्य L1 की एस्टिमेटेड बजट है 378.53 करोड़ और ये सिर्फ पेलोड की कॉस्ट है, इसमें लॉन्चिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई है। तो अब जानते हैं इसरो के दूसरे मिशन के बारे में। तो दोस्तों आदित्य L1 के बाद इसरो अपने गगनयान को लॉन्च करेगा और ये गगनयान भारत का पहला मिशन है जिसमें भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। और इस मिशन का मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन DRDO और HAL के साथ है और इस मिशन पर काम करना इसरो ने 2014 में ही शुरू कर दिया था और इसका एस्टिमेटिंग बजट है 10,000 करोड़। और इस मिशन में इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजेगा और इस मिशन में इसरो 3 मेंबर्स को स्पेस में भेज रहा है और इसरो इन्हें 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेज रहा है जहां पर ये 3 मेंबर्स 3 दिन तक रहेंगे और फिर उसके बाद इसरो के द्वारा इन्हें सेफली इंडियन ओशन में लैंड करा दिया जाएगा। और इस मिशन को इसरो अपने LVM3 रॉकेट से लॉन्च करेगा और ये LVM3 वही रॉकेट है जिससे इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। पर भले ही ये LVM3
वही रॉकेट है, पर इस बार इसके अंदर कुछ रिकन्फिगरेशन की जाएगी ताकि वो ह्यूमन रेटिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। और ये ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट है HLV-M3, और HLV-M3 रॉकेट का वही पार्ट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, और यही पार्ट एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। और इस HLV-M3 में क्रू एस्केप सिस्टम भी है जो कि क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए ही डिजाइन करा गया है ताकि इमरजेंसी के टाइम पर क्रू मेंबर्स क्विकली एक्शन ले पाए। और इस मिशन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है अर्लियर मंथ ऑफ 2024। तो दोस्तों, अगर आपको आदित्य L1 और गगनयान के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।